द न्यूज वीक की खबर का हुआ असर। आरक्षण देने पर मजबूर हुई पंजाब सरकार। बहुजनों की ताकत के आगे झुकी मान सरकार। पंजाब में बहुजनों की हकमारी रोकने के खिलाफ द न्यूज वीक की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार पहले दलितों को अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रही थी, उसे अब झुकना पड़ा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार दलितों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन अब बहुजनों की सामूहिक ताकत के आगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को झुकना पड़ा। आपको पूरी खबर समझाते हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि अब अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में होने वाली नियुक्तियों में दलितों को भी आरक्षण दिया जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुद ये जानकारी दी कि पंजाब के अटॉर्नी जनरल दफ्तर में एससी समुदाय के लिए 58 अतिरिक्त पद जारी किए गए हैं। आज इस सिलसिले में मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो मैंने अपने ऑफिसर्स को बुलाया और मैंने पूछा एजी ऑफिस में जो लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है उसमें एससी वर्ग के लिए क्या कोई रिजर्वेशन है, तो उन्होंने कहा जी नहीं है, देश में कहीं भी ये सहूलत नहीं है। तो मैंने कहा अगर हम ये सहूलत देना चाहें तो उन्होंने कहा जी दे सकते हो आप। तो हमने फैसला किया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एजी ऑफिस में जितने भी लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट हैं उनके अलावा 58 जो पोस्ट हैं वो नई क्रिएट की जा रही हैं लॉ ऑफिसर्स की, जिसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अखबारों में छप चुकी है, मीडिया में आ चुकी है। बड़ी जल्दी इस प्रोसेस को पूरा करके 58 एससी समाज के वकीलों को लॉ ऑफिसर्स के तौर पर पंजाब सरकार जो है वो एजी ऑफिस में नियुक्त करेगी। और खुशी की बात ये भी है कि पंजाब पहली स्टेट है जिसने ये सहूलत दी है। देश के किसी राज्य ने, किसी संस्था ने, किसी पैनल ने ये सहूलत नहीं दी है। इसे बहुजनों की बड़ी जीत माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भगवंत मान सरकार दलितों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गई थी। द न्यूज वीक और द शूद्र पर हमने लगातार इस मामले की कवरेज की थी। हमने आपको बताया था कि कैसे बाबा साहब की तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाली आप सरकारें बहुजनों के आरक्षण की चोरी कर रही हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे भगवंत मान सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया था कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है, इसीलिए एजी दफ्तर में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। हमने आपको ये भी खबर दिखाई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में ये बहाना बना लिया था कि अगर दूसरे राज्यों में आरक्षण मिलता है तो उसके आंकड़े लाकर दो। आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची भगवंत मान सरकार। दिल्ली और पंजाब के सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाकर खुद को दलितों के हितैषी दिखाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार का मनवादी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी बहुजनों की हकमारी हो रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार बहुजनों के आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है। बहुजनों को उनके हिस्से का आरक्षण न मिल सके इसके लिए मान सरकार हाईकोर्ट तक पहुँच गयी है। जी हाँ, आपने सही सुना, पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि दलितों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। क्या है पूरा मामला वो भी जान लीजिए। दरअसल पंजाब में एडवोकेट जनरल के ऑफिस में आरक्षण लागू करने की मांग की गई थी। एडवोकेट जनरल किसी राज्य की सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। पंजाब के वकील ओपी इंदल ने पिछले साल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की थी कि पंजाब सरकार लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में आरक्षण की सुविधा नहीं दे रही, जबकि कानून के हिसाब से उन्हें ऐसा करना चाहिए। इस शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अगस्त 2021 में पंजाब सरकार को एडवोकेट जनरल ऑफिस में आरक्षण लागू करने का ऑर्डर दिया था।
एससी कमीशन के इस ऑर्डर के बाद जनवरी 2022 में पंजाब की तत्कालीन चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने अपना जवाब दायर करते हुए कहा था कि आदेश के मुताबिक एडवोकेट जनरल ऑफिस में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में एससी और बीसी वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। भगवंत मान ने कुर्सी पर बैठने के बाद अनमोल रतन सिद्धू को नया एडवोकेट जनरल बना दिया। कुर्सी संभालते ही एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने मान सरकार से कहा कि एससी कमीशन के आदेश पर अगर आरक्षण लागू किया गया तो इससे काम पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार ने चन्नी सरकार के फैसले को पलटते हुए एससी कमीशन को लिख दिया कि लॉ ऑफिसर की नियुक्तियों में एससी बीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, एससी कमीशन के फैसले के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी। बोजनों को बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर खुद को दलित हितैषी साबित करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोजनों को ठगने का आरोप लगा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बोजनों के आरक्षण पर कुठाराघात करने की आरोपी है। बोजनों को आरक्षण न मिल सके इसके लिए नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। पंजाब में एडवोकेट जनरल ऑफिस में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण ना देने पर घिरी भगवंत मान सरकार के बचाव में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऐसा बहाना बनाया है जिसे जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि असल में ये बहुजनों की हकमारी का केजरीवाल मॉडल है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एससी बीसी के आरक्षण के खिलाफ केस कर दिया है, लेकिन केजरीवाल भगवंत मान को समझाने की बजाय बहानेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में आरक्षण का विरोध करने वाली भगवंत मान की सरकार की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की गई थी। दिल्ली के एक मंत्री ने केजरीवाल से कहा था कि पंजाब में बहुजनों के आरक्षण की हकमारी नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक बहाना बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि क्या बाकी राज्यों में भी लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति में आरक्षण दिया जाता है। अगर बाकी राज्यों में लॉ ऑफिसर्स नियुक्ति में दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है तो हम भी दे देंगे, आप उसके आंकड़े लाकर दे दीजिए। इसे आप बहुजनों की हकमारी का केजरीवाल मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब नीयत साफ नहीं होती तो नीति भी साफ नहीं होती। द न्यूज वीक ने पूरी जिम्मेदारी से बहुजनों की हकमारी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। YouTube से लेकर Facebook और Twitter से लेकर वेबसाइट तक हमने लगातार इस बारे में खबरें प्रकाशित की और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को टैग करके सवाल पूछे कि आखिर वो बहुजनों के आरक्षण की चोरी क्यों कर रहे हैं। बहुजन समाज ने भी इस मुहिम में हमारा साथ दिया और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। हमारी मुहिम को वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल जैसे लोगों का भी साथ मिला और उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल सरकार से तीखे सवाल पूछे। कुल मिलाकर बहुजन मीडिया ने इस पूरे मसले को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा, जिसके बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को इस मामले में झुकना पड़ा और एजी दफ्तर में बहुजनों के लिए अलग से 58 पद जारी करने पड़े। बहुजनों की जागरूकता और सामूहिक एकता ने उनकी हकमारी को रोक दिया। हम इसीलिए कहते हैं कि बहुजन मीडिया ही आपका अपना मीडिया है, इसलिए बहुजन मीडिया को ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारी अपील है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं और हम आपसे ताकत लेकर आपके मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, उसकी राय आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपकी राय भी जरूर पढ़ते हैं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को और ज्यादा ताकतवर बनाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।